स्मारक प्रतीक है हमारी विफलता का। जो अपनी बहन की बांधी हुई राखी का कर्तव्य भी नहीं निभा पाए हम, नहीं बचा पाए अपनी तारू को, नहीं बचा पाए अपनी तारू को, किंतु हमने भी उसी राखी की सौगंध उठाई है। हम लेंगे प्रतिशोध, अपनी बहन का, अपनी प्रजा का, अपने राज्य का, सबका प्रतिशोध हम लेंगे। इतने वर्ष इस वन में रहकर महाराज महावीर से अधिनायक वनराज बनकर इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमने अपनी सेना तैयार की है। प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं को जलाकर लोहा बनाया है हमने। एक ही उद्देश्य है हमारे जीवन का, एक ही उद्देश्य, सूर्य प्रताप। तुमने हमसे हमारी बहन, हमारे रिश्ते, हमारा राज्य हमसे छीन लिया। तुम्हारा सर्वनाश उधार रहा हम पर, और हम कभी किसी का उधार अपने सर पर नहीं रखते। इसलिए देवगढ़ पर आक्रमण करके तुम्हारा सर स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे हम। जय वल्लभगढ़, अमर वल्लभगढ़। रानी साह को हम नहीं बचा पाएंगे। कुछ कीजिए काना जी, हमारी माता को बचा लीजिए। काना जी और शिव जी तो मित्र होंगे ना? काना जी ने शिव जी को भेजा है, गले में सांप लटका है, वो हमारी माता को बचाने आए हैं। नहीं छुटकु उस्ताद, जब तक चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव जिंदा है, आपकी मासा को कुछ नहीं हो सकता। जादूगर, पहले वाले रुपए वापस आ गए। हाँ छुटको उस्ताद, आना ही पड़ा। प्लीज एवरीबॉडी मूव। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सभी लोगों से कि कृपया करके इस कक्ष से बाहर जाइए। ना सिर्फ उसका फेस देखेगा, गुड न्यूज? नो सर, बैड न्यूज। मान सिंह का बुलेट हकुम सूर्या प्रताप को नहीं, डकले सर रानी सा को लग गया है। What the hell? That stupid idiot, good for nothing man! No! 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 इस कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, जाइए। विनायक वनराज, सूचना मिली है कि राजा सूर्य प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। वो जीवित तो है ना? क्योंकि हम उसके शरीर से स्वयं अपने हाथों से प्राण खींचकर अलग करना चाहते हैं। पता तो चला है कि वो तो बच गया, पर उसकी प्रिय पत्नी इस हमले में घायल हुई है, जो कि जीवित रहने के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रही है। तो बिना किसी विलंब के हवन कुंड प्रज्वलित करवाओ जुझार सिंह, यहाँ का वनवासी समुदाय
जो प्रार्थना अनुष्ठान यज्ञ करता है हम वो करना चाहते हैं। वनराज, आप एक शत्रु की पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए हवन करेंगे? नहीं, हम उनकी मृत्यु के लिए प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बहन तारू को खोकर हम हर सांस हर क्षण तड़प रहे हैं, हम चाहते हैं कि सूर्य प्रताप भी अपने किसी प्रिय को खोकर उस हृदय विदारक पीड़ा की अनुभूति करे। तारा, तुम्हारा ध्रुव आ गया है, तुम कुछ नहीं हो रहे थे। अभिनायक वनराज जी, तो आप भी चलकर विश्राम कर लीजिए। अब विश्राम कहां से जार सिंह, अब तो संग्राम होगा। बस हम रात भर जाग कर यहीं महादेव की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए यहीं से सबके साथ हो लेंगे। तुम जाओ खेमे में और हमारी सेना से कहो कि विश्राम करे और कल सुबह के लिए तैयार रहे। सब खत्म वनराज, हमको समय दीजिए, हम आपका साथ नहीं निभा पाए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे जुझार सिंह, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए चलिए जुझार सिंह, चलिए। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आज से आप देवगढ़ की रानी सा रानी अंतरा नहीं, केवल राजकुमारी तारा प्रिया जी है अपने ध्रुव की तारा। और हम दुर्गा माँ से प्रार्थना करेंगे कि ध्रुव तारा की ये जोड़ी नील गगन में चमकते ध्रुव तारा के भांति सदैव रोशन रहे। तारा, क्या हुआ, खुश क्यों नहीं लग रही? नहीं ध्रुव, वो खुश है हम, बस पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ अशुभ, कुछ बहुत अनिष्ट होने वाला है।
शौर्य बना और भावुशा का है। आप चाहते थे ना कि वो दोनों ध्रुव तारा का विवाह ना देखें, वरना वो व्यतीत हो जाएंगे। तो हमने शौर्य बना को सुला दिया और ढोली उनके पास है, उनका ध्यान रख रही है। और जैसे कि आपने कहा था, हमने भावुशा के पीने के पानी में नींद की औषधि मिला दी थी, तो वो भी सो रही है और सोना चांदी भाभी सा उन पर नजर रख रही है। तो मुझे अगर कुछ कहोगी नहीं ना, तब भी तुम क्या सोच रही हो, क्या महसूस कर रही हो, ये तुम्हारा ध्रुव अच्छे से समझ लेता है। तब क्यों परेशान हो? ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। तुम्हारा ये जो डर है उसे मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि जब जब हमारी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है, उनके साथ साथ मुश्किलें भी आई हैं। देखो, भले ही मुश्किल एक हो, दस हो या फिर सौ, ध्रुव तारा को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मैं वचन देता हूँ तुम्हें। जैसे कि आप और आपका प्रेम हमसे जीत गया, जितनी तीव्र इच्छा हमारे भीतर थी आपको हराने की, आज उतनी ही प्रसन्नता हो रही है आपसे हार कर। देवी माँ आप दोनों को सदैव खुश रखें। हम जानते हैं हमने बहुत अनिष्ट, बहुत बुरा किया है आप दोनों के साथ। आपका हमें क्षमा करना बनता तो नहीं, हम समझते हैं, परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम हृदय की गहराई से क्षमा प्रार्थी हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.